बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 कप चीनी, 1 कप ऑयल, बेकिंग पाउडर 1 स्पून, चुटकी भर येलो कलर, 3 अदद अंडे, हाफ स्पून वनीला एसन। सबसे पहले हम 3 अंडे इसमें शामिल करेंगे। बीटर से हम अच्छी तरीके से इसको बीट करेंगे। पांच मिनट हम इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। अंडे हमारे बीट हो चुके हैं, अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करेंगे। हम और शामिल कर देंगे चीनी। ऑयल शामिल करेंगे। मैदे में हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इस तरीके से 2-2 स्पून हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और डालेंगे, अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। और शामिल करेंगे। अब हम इसमें येलो कलर डालेंगे। वनीला एसन शामिल करेंगे 1/2 स्पून। अब मिक्स करेंगे। इस तरह का हम एक बर्तन लेंगे, इसमें मैंने बटर पेपर और ऑयल लगा दिया है। अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। देखो, हम प्रेशर कुकर में बेक करेंगे। जो मैंने 5 मिनट पहले इसको गर्म करने के लिए रख दिया था, नीचे मैंने नमक डाला था ताकि ये कुकर वगैरह जले ना। अब हम इसमें एक रिंग रखेंगे इस तरीके से। अब ये बैटर हम ऊपर रख देंगे। अब तकरीबन 30 मिनट में ये हमारा बेक हो जाएगा। ऊपर से हम इस तरीके से कवर कर देंगे। अब तकरीबन 20 मिनट लगेंगे बेक होने में लो स्पीड पे। केक हमारा बेक हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसको निकाल लेते हैं। रस केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से बेक हो गया। अब हम इसको निकालते हैं, ठंडा हो गया। इसका हम बटर पेपर उतारेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम दरमियान में से काटेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। बहुत बड़े हम नहीं बनाएंगे,
क्योंकि हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी सारी कटिंग कर ली है। अब हम सेंटर से इस तरीके से काटेंगे। इस तरीके से हमने सारी कटिंग कर दी है। अब हम इसको बेक करेंगे, यानी कि हम ऊपर से भी 20 मिनट रखेंगे, नीचे से भी, ताकि ये अच्छे तरीके से कुरकुरे हो जाए। अब हम इसमें प्रेशर ओवन में हम इसको बेक करेंगे। इसको मैंने इस तरीके से रख दिया। तकरीबन अब इसको 20 मिनट लगेंगे। हमारे केक बेक हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। अब हम 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। ऊपर से भी हवा लगे और नीचे से भी। ठंडा होने के बाद हमारे केक रस्क बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और जबरदस्त बने हैं। आप जरूर बनाइएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। अल्लाह हाफिज़।